हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वाला व्लॉग है हमारी ईद की छोटी मोटी तैयारी का, और मीन्स एंड में तो आपको सबको पता होगा कितनी भाग दौड़ होती है, कितनी घाई गड़बड़ होती है। और देखो, मेहंदी लगाना भी बच गया है और थोड़ा स्किन पैम्पर भी करना है, और मतलब आउटफिट तो आ गया है, ज्वेलरी भी लेके आई। मैं आपको बताती हूँ मीन्स कैसे मैंने कहाँ से आउटफिट लिया है, एंड देन ज्वेलरी भी कहाँ से ली। मुझे बहुत अच्छी ज्वेलरी, तो इस बार का मेरा हैदराबादी लुक होगा। सो स्टे ट्यून्ड, मैं अपना सारा लुक कैसे क्रिएट किया है वो सब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बने रहिए, देखिए हमारी तैयारी कैसे चल रही है। आई होप आप सबकी भी बहुत घाई गड़बड़ होगी, आप सबकी भी बहुत तैयारी होगी। एंड मोमेंट पर तो मतलब वैसे बहुत गड़बड़ होती है। सो देखिए ये व्लॉग, इंजॉय कीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू आप सबका, इतना आप सपोर्ट कर रहे हो, इतना मीन्स चैनल को। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। आउटफिट ऑफ द डे चेक। मैं जा रही हूँ मीन शॉपिंग करने के लिए, जो कुछ बचा है लास्ट लास्ट का सामान लेने के लिए मार्केट जा रही हूँ। अभी रोज़ा खुल गया है तो जल्दी से जाके आती हूँ। टिल देन बाय। ये मेरा ईद का आउटफिट आया था मरियम मुंबई से, मैंने ऑर्डर किया था। पूरा आउटफिट ईद के व्लॉग में बताऊंगी। और ये आ गई थी मैं, बहुत लोग पूछ रहे थे आपका हेयर कलर क्या है, तो मैं ये डॉटर शॉप करके है, यहाँ से मेरा हेयर कलर जो मैं लॉरियल का यूज़ करती हूँ, तो मैं ये लेने आई थी। तो आपको दिखाती हूँ क्या है। देखो, ये है लॉरियल कास्टम क्रेम ग्लॉस कैरमल ब्राउन शेड में। तो जो इसको कैसे लगाते हैं घर पर ट्यूटोरियल में ईद के बाद आपको ज़रूर इंशाल्लाह पक्का दूँगी, क्योंकि मुझे बाहर भी बहुत लोग बोलते हैं कि आप ये हेयर कलर सूट होता है, आप घर पे कैसे करते हो। तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के ईद बाद ज़रूर अपलोड करूँगी। तो ये हम लोग जा रहे थे छोटी मोटी जो रह गई थी शॉपिंग वो करने के लिए। तो हम लोग के यहाँ से देखो, ये सोसाइटी के गेट के बाहर का पूरा रास्ता है। देखो माशाल्लाह कितनी रौनक है, इतनी गर्दी पूरा महीना थी और इतनी रौनक थी, मीन्स मतलब जैसे बॉम्बे वगैरह में होती है वैसे ही सेम रौनक। और ये अभी बस कुछ ही दिन की है, फिर उसके बाद में सब अपने डेली रूटीन में बिज़ी हो जाएंगे। तो हम लोग ये कार में थे, हम लोग जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए, मीन्स ज्वेलरी और कुछ ऐसे नॉर्मल कुर्ते वगैरह लेने का बचा था बासित के लिए, तो वो लेने जा रहे थे। और ये भी देखो, ये हम लोग के गेट के बाहर निकलते ही साथ इतनी ट्रैफिक, कार निकालना तो इतना मुश्किल हो गया था ये पूरा महीना में। और ये कर दी ना रात के 4 बजे तक, 3-4 बजे तक ऐसी ही होती है। और ये देखो यहाँ पर इतने सारे लोग आते हैं, मीन्स पुणे के ऑलमोस्ट ऑल प्लेसेस से खाने के लिए यहाँ, क्योंकि इतने सारे वैरायटीज, इतने सारे होटल्स। तो बाज़ारों में भी इतनी रौनक थी। ये देखो, मैं यहाँ पे बैंगल की शॉप पे रुक गई थी, क्योंकि मेरे को मैचिंग आउटफिट के हिसाब से बैंगल लेना था। तो मैंने वेलवेट के कांच के बैंगल्स लिए हूँ, उसके साथ मैंने पर्ल के कड़े लिए हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं मिक्स करके पहनने वाली हूँ। तो ये आ गए थे, ये इनकी ज्वेलरी शॉप है आतिक एंटरप्राइजेस में। हमेशा यही से अपने सारी ज्वेलरी लेती हूँ, हर मैचिंग से आउटफिट से मैचिंग ज्वेलरी। तो ये मेरी ये देखो, ये हैदराबादी सेट, यहाँ पे बहुत अलग अलग इतनी अच्छी वैरायटी होती है सारे सेट की। तो ये मैंने ज्वेलरी ली है क्योंकि ये मेरे मैच हो रहा था ईद के आउटफिट पर, ये हैदराबादी मोती वाला सेट। और यहाँ पर माशाल्लाह आपको हर चीज़ मिल जाएगी, और हर एक नई लेटेस्ट डिज़ाइन में। ये देखो, ये भी कुछ कलेक्शन आपको दिखा रही हूँ, कितने प्यारे ज्वेलरी सेट है, ब्राइडल सेट वगैरह सब मिलते हैं। और मैंने यहाँ से मैचिंग पर्ल कड़ी का सेट लिया था, तो मैं अपने कलरफुल बैंगल्स में उसको मिक्स करके पहनने वाली थी। तो और यहाँ पे आपको हर ब्राइडल क्लचेस वगैरह और सब कुछ मिल जाएगा, ऑल अंडर वन रूफ। और कॉस्मेटिक का भी सामान मिलता है। और ये देखो, ये मैंने सेट परचेज़ किया है, ये हैदराबादी मल्टी कलर का पर्ल सेट। ये मैं पहन के आपको ईद वाले व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा और बहुत रीज़नेबल रेट में मिला मुझे। ये जो भाई है ये शॉप के ओनर, ये बहुत अच्छे है, मीन्स अभी बहुत साल से हम लोग इनके पास से सारे ज्वेलरी लेते हैं, तो बहुत डिस्काउंट रेट में हम लोग को सारे ज्वेलरी वगैरह देते हैं।
ये आ गए थे नेक्स्ट शॉप में फैम मार्केट। मैंने यहाँ से अपना बासीद का आउटफिट लिया हूँ, तो वो आपको बासीद के व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। अभी रिवील नहीं करी, वो व्लॉग में ज़रूर देखना। और यहाँ से मेरे मॉम ने भी एक कुर्ता पैंट लिया बासीद पे पहनने के लिए। इनके पास भी बहुत पाकिस्तानी कलेक्शन, सारे रेडीमेड कलेक्शन है और सारे साइज़ में अवेलेबल है। ये हम लोग आ गए थे एंड में डी मार्ट, क्योंकि ग्रॉसरी का सामान लेना था। यहाँ से हम लोग ने लिया एक डिनर सेट, बेडशीट, देन डोर मैट वगैरह, थम्स अप और कुछ ऐसे जो हम लोग को डेली में लगता है। ये मेरा फेवरेट जूस है, बी नेचुरल का गुआवा जूस। ये हम लोग हमेशा लेते हैं जब भी डी मार्ट आते हैं। तो मैचिंग मतलब बेडशीट भी अच्छी में थी। और ये मैं देख रही थी मेरे रूम के लिए जो मैट मीन्स रनर होता है थोड़ा लंबे टाइप का बेड के बाजू में, तो इसमें से मैंने ये फाइनल किया, मैंने ये ले लिया। देन उसके बाद में मामाअर्थ का फेस वॉश, मैं यही फेस वॉश यूज़ करती हूँ। मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। एंड देन यहाँ से लिया मींस ब्रेड, बिस्किट, जूस। और हम लोग लग गए बिलिंग के लिए, क्योंकि एज़ यूजल डी मार्ट में इतनी लंबी लाइन रहती है, बिलिंग के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये सब सामान लेके आ गए फिर मैं घर। मैं गई थी डी मार्ट घर का कुछ सामान लाने के लिए छोटा मोटा, तो आपके साथ शेयर करती हूँ क्या लाना। ये ऐसे पैर पोछने के, ये मैंने अलग अलग कलर जैसे फर्नीचर को मैच होता वो लिया। फिर उसके बाद में हम लोग के दो बेडरूम में उसके लिए बेडशीट, ये डी मार्ट में अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, तो ये बेडशीट हो गई। और ये दूसरे बेडरूम की बेडशीट है कुछ ऐसे डिज़ाइन है इसका, तो ये पिंक कलर की। एंड देन उसके बाद मेरे को एक बहुत प्यारी चीज़ लगी डी मार्ट में, तो ये फ्लोर रनर है, ये हम लोग के बेडरूम के लिए, क्योंकि ऐसे हम लोग का फर्नीचर का शेड है। तो मैं इसके साथ आपको दिखाती हूँ कैसे, ये बहुत ही अच्छा मिला और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में डी मार्ट में मिला है। तो ये देखो इसमें शाइन भी है, गोल्डनिश ब्राउनिश कलर का है फ्लोर रनर। एंड ये जूस न्यू मैंने, ये हम लोग का मतलब हम लोग हमेशा जब भी डी मार्ट जाते हैं तो ये पेरू का जूस, गुआवा जूस ही हम लोग का फेवरेट है, ये लेकर है। और उसके बाद में हम लोग को घर पे कुछ लगने वाला था, ऐसे तो है प्लेट क्यों ना, तो मैं आपको दिखा दूँ। ये भी काफ़ी है, देखो पिकासो का है, मेलनिन का, तो मैंने अभी जस्ट लेके आए। इसके प्लेट काफ़ी अच्छे, पूरा सेट है। मेरे दोस्त कुछ ऐसे प्लेट है, मिंट ग्रीन काफ़ी अच्छा लगा इसका। उसके साथ ये ऐसे बाउ, और ये पूरा क्वार्टर प्लेट का 6 का सेट है। ये छोटे वाले प्लेट है, छोटे वाले क्वार्टर प्लेट, और छोटे प्याले भी आए हैं। ये इसका स्पून, एंड हाँ ये ऐसी सर्विंग, ये सर्विंग डिश। और इसके छोटे से प्याले आए छोटे से ये वाले, बट ये ज़्यादा मतलब और भी है, बट ये आ गया था। मैंने बस प्लेट का डिज़ाइन वगैरह देख के ले लिया, ये कैसे ईद के टाइम पे काम में आएगा, बहुत दावतें वगैरह होती रहती इसीलिए बस। और यही लाई मैंने सामान, और ये आया है मम्मी का ईद का ड्रेस, ऑर्डर किए थे अल्बानी क्रिएशन से। अभी ऑर्गेंजा की बहुत फैशन चल रही है, तो इसीलिए ये ऑर्डर किया है। ऑर्गेन्जा देखो कितना शाइन है, ये इसका कुर्ता है, इसका फ़ोटो किधर है। एक्चुअली में ऐसे है ये ड्रेस, ये पूरा इस पर ये दुपट्टा वगैरह, और इसके बॉर्डर पे भी रफल लगे हैं। ये देखो ये इसकी एम्ब्रॉयडरी, ये रफल लगे हैं। वाह बहुत अच्छा सूट है, बहुत प्यारा सूट है, वेरी नाइस। और इसका दुपट्टा देखो, और ये दुपट्टा भी देखो कितना प्रीटी है, कलर ही बहुत अच्छा है, ब्रॉन्ज कॉपर गोल्डिश कलर मिक्स ऐसे। वाह दुपट्टे में भी रफल लगी हुई है, वाह। और ये देखो पर्ल मोती का वर्क, हैंड वर्क बहुत अच्छा ड्रेस है। ये मम्मी का ईद का आउटफिट हो गया। यहाँ से ये डायमंड क्रॉकरियन स्टोर एक गिफ्टिंग स्टोर है, तो यहाँ से हमने शिरकुरमा का बाउल और शिरकुरमा के स्पून लिए, ये देखो ये वाले।
यहाँ पे मैं तल रही थी फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि आज मैंने सोचा चीज़ी फ्राइज़ मेयोनीज और पेरी पेरी वाले ये बनाती हूँ, तो ये कुछ ऐसे बने थे। एंड देन उसके बाद में हम लोग इफ्तारी की तैयारी कर रहे थे, हम लोग टेबल सेट कर रहे थे और ये लग गई थी हमारी इफ्तारी। और मैं सब कुछ सेट हो गया था और सबको बांट के भी हो गया था नेबर्स को, और हम लोग फिर बाहर से भी कुछ लेके आए थे, काड़ी गोश वगैरह, समोसे और चिकन साठे। तो फिर ये हलीम मैंने ऑर्डर किया था, हलीम इज़ माई फेवरेट। खाने के लिए जो लगता है, यहाँ पे बादाम भिगाए हैं और यहाँ पे बादाम फाइनली हम लोग चॉप कर रहे हैं, और उसके बाद में ये प्लेट में डाल के इसको सुखाएंगे 1 से 2 दिन तक। फिर उसके बाद में पिस्ता काटना है, फिर चारोली भी सुखाने के लिए रख दी है और काजू भी काटना है। ये वाला वीडियो आपको कैसे लगा, डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय चैनल। आपका ढेर सारा प्यार ऐसे ही बरकरार रखिएगा। डू सपोर्ट टू माय चैनल, जैसे आप इतने अच्छे कमेंट्स कर रहे हो वैसे ही करते रहो, उससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है डेली व्लॉग्स बनाने के लिए। और ऐसे मीन्स बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स पढ़ के, तो उसके लिए भी बहुत थैंक यू। सो स्टे ट्यून्ड, बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।